अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम लोग अफ्तारी बंटवा रहे हैं, तो बस मैं यहाँ पर उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये अदरक लहसुन वगैरह ये सब मैंने उसी के लिए यहाँ पर छील काट के रखा है। लहसुन को पहले मैंने पानी में भिगो दिया था अच्छे से, ताकि जो उसका छिलका है वो आसानी से उतर जाए। और अब मैं प्याज छीलूँगी, तो प्याज को छीलने के लिए भी मैं क्या करूँगी कि इसको पानी में डाल दूँगी। तो पानी में डालने से क्या होता है कि इसके जो छिलके हैं, एक तो वो उड़ेंगे नहीं, और दूसरा जो है फिर आँखों में जो आंसू आते हैं वो कम आएंगे। ये रही इतनी सारी प्याज, अभी 1 किलो प्याज और छीलूँगी, थोड़े से लहसुन ये और छीलना है। एक्चुअली आज अफ्तारी में हम लोग चिकन और उसके साथ रोटी भिजवा रहे हैं, तो रोटी जो है वो हम लोग बाज़ार से मंगवा लेंगे, और जो सालन है मतलब चिकन है वो हम लोग घर में बनाएंगे। तो प्याज करीब करीब मैंने यहाँ पर ली हैगी खड़ी प्याज, मतलब काट के जो प्याज लिए वो 2.5 किलो लिए, और 1 किलो प्याज जो है वो मैं पीस के लूँगी। रखा है फ्रिज में, हाँ बाद में डालेंगे ऊपर। और अभी देखिए 3:15 हो गए और आज यहाँ पर थोड़ी धूप नहीं निकली है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। ये प्याज का पेस्ट है, ये अदरक लहसुन और पूरा गरम मसाला होममेड मैंने इसी में पीस लिया है। फूल वगैरह तो अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि कोरमा टाइप का बना रही हूँ चिकन का। चिकन भी फ्राई हो गया। इतनी सारी प्याज है, ये होगी कम से कम 2.5 किलो प्याज। इसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और ये एकदम क्रिस्पी सी हो गई। बरिस्ता करके कुछ बोलते हैं शायद, मुझे याद नहीं है इसका अच्छे से नाम। तो इसको डालने से ना बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, थोड़ा सा और एनहेंस हो जाता है टेस्ट। तो इसको मैं चिकन में यूज़ करूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी इस ट्रिक को अपनाइएगा। मैं इसको ऊपर से बिरयानी में भी डालती हूँ फ्राई करके, ऐसे ही निकाल लेती हूँ। ये कुरकुरी सी रहती है, मतलब सॉफ्ट नहीं है। इसको फ्राई करके निकाल लिया और थोड़ी देर पंखे में रख दिया जाएगा। तो चलिए जल्दी से अब मैं अपनी बाकी की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये गर्म हो रहा है ऑयल। तारी आई है अभी मोहल्ले से, इसमें देखते हैं खोल के क्या है। इसमें है बिरयानी चिकन की, ये है जूस पेपर बोट। तो ये देखिए हम लोग का कोरमा भी बस बनने वाला है, थोड़ी देर में हम लोग फिर लगाएंगे बांटने के लिए। मतलब इसको बस 5-10 मिनट लगाएंगे, इसको ढक देते हैं। ये बहुत बड़ा भगोना है, इसमें कम दिख रहा होगा आपको। और ये रोटियां हम लोगों ने बाज़ार से मंगवा ली थी, तो सब घर में बस यही सालन और रोटी आज हम लोग भिजवाएंगे इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में। ये देखिए हम लोगों ने इस तरीके से ये लिफाफे में रोटियां पैक कर दी हैं। बहुत सारे घर हैं माशाल्लाह भी। फ्रेंड्स देखिए हमारा बन गया है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो है रोटियाँ सारी पैक कर ली हैं पेपर के अंदर, और बस इसमें डाल के जल्दी से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबके यहाँ भेजना। तो चलिए आप भी हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। चलो बांटने चला है। बिस्मिल्लाह रोटी का थाला। एक उठाया हमने, ये अफ्तारी आई है मोहल्ले में से माशाल्लाह। ये पेस्ट्री भी है, शायद केक है, पता नहीं।
चलो इसको मैं ढक देती हूँ, अभी तो रोज़ा खोलने में टाइम आएगा क्योंकि रोज़ा खुलने का टाइम हो गया है, बस 2 मिनट बचे हैं। और ये देखिए हम लोग नफ्तारी लगा ली, ये कस्टर्ड है और इसमें है समोसे गरम गरम, बुशरा के फेवरेट खस्ते। और ये रही प्यारी सी बुशरा, आए बुशरा सलाम करो सबको। तो ये है बुशरा, बुशरा क्या कर रही है? हमें पता फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी। हाँ कौन सी वाली? मैंगो डोली। हाँ बहुत वो तो किसकी थी? पापा की थी वो। माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। आज तुमने वो खाना खा रही हो, थोड़ी देर में निकाल ले। हाँ आप खाना क्या अभी निकाल ले? अभी निकाल लीजिए थोड़ी देर में। चलो ठीक है खाना खाते हैं। चलिए देखिए ये मैं गरम कर लेती हूँ अब हम लोग के लिए भी, और फिर इसको सर्व करते हैं। तो देखिए मैंने ये डिश आउट कर लिया है, बस अब हम लोग खाना लगा लेते हैं रात का खाने के लिए, डिनर टाइम हो गया है। आप भी बस मिलना करिए फ्रेंड्स हम लोगों के साथ। तो चलिए अब मैं बिरयानी को डिश आउट कर लेती हूँ उसमें। ये रही रोटी, रोटी हम लोगों ने अपने लिए भी मंगवाई थी आज, अवतार में भिजवाई थी ना वही रोटियाँ ये। चलो खा लो बस। तो फ्रेंड्स आज का अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो हम लोग आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।